चुंच का वो बहुत पुराना हो चुका है घाटी की पहन के खत्म हो गया, नया नया माल तो नए दिखा दीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? फिलहाल हम लोग आए थे भूटान क्योंकि यहाँ पे ईद का सजाया जा रहा है, वॉक करने के लिए आए थे। और सोनू गया है कांचा का मोमो लाने के लिए, तो जब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उस तक यहीं पे गया है वो। अच्छा, मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ। चलने जाता ना डेली लो कसम से, वो दुकान करते रहते हैं रात को। अगर अपना दर्द हो जाता है पांव। सो अभी हम लोग आए थे ऐसे ही वॉक पे, अभी रात के बज रहे हैं 9 और रमज़ान में डेली वॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन नहीं करता कि रोज़ा खोल के डेली वॉक पे जाए। सो अभी यहाँ पे हम लोग आए थे तो सोनू हमारे लिए यहाँ पे मोमो लेके आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ईद के लिए जो है पूरा सजावट जो है वो हो रही है, अभी भी हो रही है, आधी जो है साइड में हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे भैया सजा रहे हैं और आधी साइड का कंप्लीट हो गया, बस उस साइड का भी हो रहा है। और यहाँ पे एक लाइन से लच्छा का सेवई का दुकान भी खुल चुका है, बहुत रौनक है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतने ज़्यादा लच्छे और सेवई की दुकान नहीं लगते थे जितना कि अब लगने लगा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं हम लोग घर। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है सहरी का टाइम और आज सहरी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, ये बहुत लेट हो गया था खाना खाने में, तो किसी को कुछ मन नहीं था खाना खाने का, तो मैंने सबके लिए बना दिया यहाँ पे चाय और हम लोग चाय के साथ बिस्किट ही खा रहे हैं आज सहरी में। सो अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं करिएगा, पिछले दो घंटे से मैं वीडियो एडिट कर रही थी और 2 घंटे के बाद एडिट करने के बाद फाइनली वॉइस ओवर करने के बाद सब कुछ करने के बाद जब मैंने रेंडर पे लगाया ना उसको, तो वो एकदम से उड़ गया। तो आप सोच सकते कि क्या स्थिति हो रही होगी अभी मेरी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ कि मतलब जब आप 2-2.5 घंटा लगा के एडिट करते हो कोई चीज़ और सब कुछ फाइनल हो जाता है, बहुत टाइम टेक लगता है कट टू कट सब चीज़ करने में, और फिर म्यूज़िक लगाओ वॉइस ओवर करो सब कुछ करने में, अगर लास्ट मोमेंट पर जब वो हट जाता है ना, एकदम से उड़ जाता है ना, तो कैसा लग रहा होगा मुझे आप ही लोग सोचिए। अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस अब मैं नहीं करने वाली अब एडिट। आप मेरे ये वाला ब्लॉग जो देख रहे हैं, इससे पहले आप मेरा वो वाला ब्लॉग देख चुके होंगे जो कि मेरा उड़ चुका था, जिसके बारे में अभी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी एडिट नहीं करने वाली क्योंकि अभी बज गए 3:30, 4 बजे अजान हो जाएगा, नमाज़ पढ़ूंगी, मैं सो जाऊँगी। अब मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं फिर से बैठूँ वापस से उसको एडिट करूँ, अब मैं नेक्स्ट डे ही एडिट करूँगी, लेकिन मतलब मेरा मन पूरा ख़राब हो चुका है अभी फ़िलहाल, नहीं कर सकती अब मैं। ऐसा होता है बताओ, कितनी गलत बात। सहरी करने का भी मन नहीं कर, अभी मैं सहरी कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ वरना मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। सो मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मिलते हैं आप लोगों से सुबह। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और इफ्तार वगैरह भी हम लोग सब कर चुके हैं और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट, चूड़ी मार्केट, ये आप देख सकते हैं हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है ये, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन पटना से थोड़ा सा महंगा है, पर आपको यहाँ पे भी सब चीज़ अब मिलने लगा है। यहाँ पे कामदार चूड़ी, सब प्लेन चूड़ी जैसा आपको चाहिए आप देख सकते हो ना, हर तरह के कलेक्शंस भैया लोग रखते हैं, लेकिन पटना से थोड़ा सा हाई रेट होता है यहाँ का।
और अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा चूड़ी लेंगे नहीं लेंगे। सो फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह का कलेक्शन है इनके पास। सो अभी देखते हैं। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ओरिजिनल वाला, ना कि प्लास्टिक वाला। और ये आप देख सकते हैं, ये है एक नंबर मस्जिद, आपने पहले मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो कि ईद के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। जितना अच्छा हम लोगों के साइड में नहीं सजाया गया, उतना अच्छा इस साइड में सजाया गया है। सो इस साइड का मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कर रही थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देखो कि गुवाहाटी में किस तरह का ईद के लिए प्रिपरेशंस होती हैं। वैसे यहाँ का बहुत अच्छा सजाया था। मेरे पीछे था एक नंबर मस्जिद, और जो सामने आप देख रहे ग्रीन कलर का, वो है दो नंबर मस्जिद, जो कि हमारे एरिया में पड़ता है। और अभी मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सब अभी बज रहे रात के 11:30 और हम लोग कर रहे हैं वॉक। आप देख सकते हैं अभी बाहर में सर पूरा जो दुकान वगैरह सब बंद हो चुका है, बस एक दो दुकान जैसे कुर्ता वाला का दुकान जो है लाखटकिया में, मतलब इस एरिया में कुर्ता वाला का। तो इस एरिया में जितना भी शॉप है वो हमारे खानदान है, चाचा भाई वगैरह सबका ही है। पूरा एक लाइन से आपको शॉप मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप लाखटकिया से या फिर गुवाहाटी से, तो आप आइए यहाँ पे शॉपिंग करिए। अगर आपको कुर्ता चाहिए ईद के लिए, तो आप कहीं मत जाइए, सीधा लाखटकिया आ जाइए। मेरे पूरे परिवार का आपको शॉप मिल जाएगा एक लाइन से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शॉप जो है वो क्लोज हो चुके हैं, सब बंद हो गया है। यहाँ पे एक लाइन से आपको हमारी पूरी फैमिली की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एआर कलेक्शन, एसके कलेक्शन, एसके शेरवानी, रौनक कुर्ता पैलेस, सारा हमारा ही शॉप है, यानी कि मेरे पापा का, उनके भाई लोगों का, जो आपको एक लाइन से मिल जाएगा।